अगर आपको सी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स रन करने हैं, एग्जीक्यूट करने हैं, तो आप एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है बोरलैंड सी प्लस प्लस, उसमें आप उसको रन एंड एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स को। तो उसके पहले उसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है बोरलैंड सी प्लस प्लस। बोरलैंड सी प्लस प्लस टाइप करने के बाद आपको ये वाला वेबसाइट मिल जाएगा, डेवलपर इनसाइट। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है डाउनलोड एंड इंस्टॉल। जब आप ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल के इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा हाउ टू इंस्टॉल बोरलैंड सी प्लस प्लस कंपाइलर आएगा। तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है डाउनलोड बोरलैंड सी प्लस प्लस कंपाइलर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऐसे डाउनलोडिंग लिखा हुआ आएगा आपको, उसके बाद आपका यहाँ पे थोड़ी देर में डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो गया है, एंड उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर भी ये डाउनलोड हुआ है। ये आपका डाउनलोड्स फोल्डर में हुआ होगा, ये देखिए डाउनलोड्स में आपका आ गया ये कंप्रेस्ड फाइल। कंप्रेस्ड फाइल को आप जब एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसको ऐसे यहाँ पे क्लिक करके आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल करना है। एक्सट्रैक्ट ऑल करने के बाद जब आप ओके करेंगे, ये देखिए तो आपका ये एक्सट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। ये आपका कहाँ आएगा, डाउनलोड्स में आएगा डाउनलोड करने के बाद। देने थोड़ा सा टाइम ले सकता है एक्सट्रैक्शन में। ये देखिए आपका एक्सट्रैक्ट हो गया है। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होती है, वो क्या करना है, एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में जाना है। जो आपका अभी आपने जो एक्सट्रैक्ट किया है वो ये वाला फोल्डर। एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो क्या करना है, ये फोल्डर बोरलैंड सी प्लस प्लस, इसके अंदर ये सेटअप फाइल है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी करना है। ये रहा कॉपी, कंट्रोल सी से भी आप कॉपी कर सकते हैं। एंड इसको कॉपी करके आपको कहाँ जाना है, सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाके इसको ऐसे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे पेस्ट। फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एक बार पेस्ट हो गया तो आपको इसको ओपन कर लेना है बोरलैंड सी प्लस प्लस को, एंड आपको ये वाला फाइल सी फ्री, इसको सेटअप को रन कर देना है। सेटअप रन करने के बाद यस, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करना है आपको। आपको नेक्स्ट करना है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट। सी ड्राइव में आपको इंस्टॉल करना है, इस नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, 86 MB आपका फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट डेस्कटॉप आइकन,
देन आपको इंस्टॉल स्टार्ट कर देना, देन ये अपने आप इंस्टॉल करेगा एक्सट्रैक्ट करके फाइल्स को। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर, एंड सी आपका ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, अभी आपका ये लॉन्च हो जाएगा। तो ये देखिए आपका ये बॉरलैंड सी प्लस प्लस है, तो इसमें ऑलरेडी सैम्पल फाइल्स भी दिया हुआ है, अगर आपको ओपन करना है तो डायरेक्टली इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। ये देखिए आपका सैम्पल फाइल ओपन हो गया, इसमें क्या होगा आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। ये क्या है आपका सी प्रोग्राम है, इसमें आप दोनों सी एंड एज वेल एज सी प्लस प्लस प्रोग्राम रन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है रन करने के लिए, नहीं तो आपका यहाँ पे भी कहीं होगा। ये मैं भी पहली बार यूज़ कर रहा हूँ बॉरलैंड, वरना मैं टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ करता हूँ, बट ये उससे बेटर है। यहाँ पे आप डायरेक्टली टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल से आप यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं, ये रहा रन। अब यहाँ से भी रन कर सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं, F11 से आप कंपाइल कर सकते हैं एंड F5 से आप रन कर सकते हैं, एंड ये आपका जो बटन है ये आपका डायरेक्टली कंपाइल एंड रन दोनों कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपका कंपाइलेशन स्टार्ट हो गया, कोई एरर नहीं है, हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट हो गया। तो ये आप कोई भी की, ये आपका आउटपुट आ गया, आप कोई भी की प्रेस करेंगे आउटपुट से बाहर आ जाएगा। सो गाइज ये था आपका कैसे आपको बॉरलैंड सी प्लस प्लस इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, इसमें आप दोनों सी एंड सी एज वेल एज सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स को रन एंड एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। एंड आपको मैं इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज़ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।